तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगिनर्स यानी कि UFB का पार्ट 26 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं 3 अक्षर से मिलकर बने ओ मात्रा वाले उर्दू के शब्द, जो कि आप लोग के लिए एकदम आसान लगेगा तब जब आप इसका पहला वाला वीडियो यानी कि UFB का पार्ट 25 देखे हो, क्योंकि उसमें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी उर्दू के अक्षर को कैसे ओ की मात्रा में बदला जाता है। बदलने का हर एक ट्रिक, फार्मूला, हर एक चीज़ बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोग जानते हैं कि किसी भी उर्दू के अक्षर को, किसी भी उर्दू के लेटर को कैसे ओ की मात्रा में बदला जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाने वाली हूँ ना, सारा चीज़ एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इतने सारे 3 अक्षर से मिलकर बने ओ मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग UFB का 25 नहीं देखे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी होगी, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना होगा, समझना होगा। और अगर 25 देखें तो वहाँ पर ऑलरेडी मैं पहले से ही समझा चुकी हूँ कि कैसे ओ की मात्रा में बदला जाता है। चलिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ, किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर ओ की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दिया जाता है। जैसे कि काफ से क होता है, इसको को बनाने के लिए, ओ की मात्रा में बदलने के लिए काफ के ऊपर ऐसे पेश लगा दीजिए और इसमें वाव जोड़ दीजिए, तो ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। अभी जुड़ा नहीं है, काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़ा नहीं, इन दोनों को जोड़िए तब ना को लिखा जाएगा। काफ का आधा भाग मैं आप लोगों को बताई हूँ जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, आधा भाग उठाइए फटाफट, इतना आधा भाग उठा लिए और काफ के ऊपर क्या है, पेश है। हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बार बार कि पेश, ज़बर, ज़ेर वगैरह नहीं लिखा जाता है। और उसके बाद से ये जो वाव है इसी काफ में ले जाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को, ओ की मात्रा में बदल गया। अब आप इसको को पढ़ेंगे। तो इसी तरह किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर आप लोग को ओ की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। बस यही वाले फार्मूला का आप लोग को यूज़ करना है और इतने सारे 3 अक्षर से मिलकर बने ओ मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला शब्द है सोचना, इसको हम लोग लिखते हैं। सोचना को उर्दू में कैसे लिखा जाएगा तो मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, शब्द का सबसे पहला अक्षर देखिए क्या है। सोचना में सबसे पहला अक्षर है सो, तो सबसे पहले यही सोचिए कि सौ को उर्दू में क्या कहते हैं। सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, सो है, सौ में ओ की मात्रा है। तो अभी मैं आप लोगों को बताई ना, किसी भी अक्षर को अगर ओ की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देंगे। तो सीन के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दिए तो ये हो जाएगा सो, ठीक, ओ की मात्रा में बदल जाएगा। और उसके बाद से है चौ, चौ को उर्दू में क्या कहते हैं सोचिए। चौ को उर्दू में चे कहते हैं, तो लिख दीजिए फटाफट, लिख दिए चे से चौ हो गया। उसके बाद से ना है, नौ को उर्दू में क्या कहते हैं, नौ को उर्दू में नून कहते हैं, तो लिख दीजिए नून से तो ना हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ना है, आ की मात्रा है ना में, तो ना बनाने के लिए नून में क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ दीजिए फटाफट, अभी ये सब जुड़ा नहीं है, सब जोड़ देंगे तब सोचना लिखा जाएगा। तो जोड़िए, सीन का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, ऐसे उठा लीजिए, सीन का आधा भाग उठा लिए, सीन के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, क्योंकि लिखा नहीं जाता है, ठीक, मन में माना जाता है। अब वाव को ले जाकर जोड़ दीजिए सीन में, तो सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया सो, ओ की मात्रा में बदल गया। और उसके बाद से चे का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, ऐसे चे का आधा भाग उठा लिए, चे से च हो गया। और इसी में नून का आधा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, और नून से तो ना हो गया, ना बनाने के लिए जो अलिफ है इसी नून में ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए, सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर तो ये हो गया सो, चे से च और नून में अलिफ जुड़कर ना, तो सोच ना, सोचना। कितना आसानी से हम लोग सोचना लिख लिए, बहुत ज़्यादा आसान है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला शब्द है वीडियो। वीडियो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है वी, सोचिए वाव को उर्दू में क्या कहते हैं। वाव को उर्दू में वाव कहते हैं, वाव, ठीक है, तो लिखिए वाव, यहाँ पर वाव से वह हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, वी है, यानी कि वह में ई की मात्रा है। तो देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, वी में छोटी वाली ई की मात्रा है कि बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि वी में बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो जब भी उर्दू के किसी भी अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलना होता है तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि क्या करते हैं हम लोग, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और छोटी ये जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है। तो वाव से वाह हो जा रहा था, लेकिन वाव के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दिए तो ये बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। उसके बाद है डी, तो सोचिए डॉ को उर्दू में क्या कहते हैं। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डॉ को उर्दू में डाल कहते हैं, तो लिख दीजिए
ये लिख दिए हम लोग डाल, डाल से तो ड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी है। तो देखिए डी में कौन सी वाली ई की मात्रा है, छोटी वाली की बड़ी वाली। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि डी में छोटी वाली ई की मात्रा है इधर से। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को छोटी वाली ई की मात्रा में बदलना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे सिर्फ जेर लगा देते हैं। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो डाल के नीचे जेर लगा दिए तो ये छोटी वाली डी यानी कि छोटी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से लास्ट में है यो, तो सोचिए य को उर्दू में क्या कहते हैं, य को उर्दू में छोटी ये कहते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर ये से तो इस ये से तो य हो गया, लेकिन इसको यो ओ की मात्रा में बदलना है हम लोगों को। तो क्या करते हैं ओ की मात्रा में बदलने के लिए, बस ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देते हैं, तो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो ये के ऊपर पेश और वाव जोड़ दिए तो ये यो हो जाएगा, ओ की मात्रा में बदल जाएगा। अब जोड़िए फटाफट, तब वीडियो आप लोग आसानी से लिख लेंगे। देखिए वाव जिस तरह लिखा है, लिख दीजिए फटाफट, वाव के नीचे जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे। और ये जो छोटी है आप लोग जानते हैं किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है, तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो ये ऐसा रूप धारण कर ली और वाव के पास आकर चिपक गई। तो वाव के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर ये हो गया वी, बड़ा वाला वी। और उसके बाद से ये जो डाल है ना, ये पूरा का पूरा आकर इसी ये में ऐसे चिपक जाएगा, ठीक। और डाल के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ तक वी डी लिखा गया है, वाव के नीचे जेर और छोटी जुड़कर वी, और डाल के नीचे जेर जुड़कर डी, तो वी डी, यहाँ तक वी डी हो चुका। अब बस यो लिख देना है आप लोगों को, ये जो छोटी है ये भी अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी, और इस ये के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो वाव है इसी ये में आकर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया यो, तो वी डी यो, वी डी यो, वीडियो। कितना आसानी से हम लोग वीडियो लिख लिए, कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोस्ट। पोस्ट में सबसे पहला अक्षर पो, पो को उर्दू में क्या कहते हैं, पो को उर्दू में पे कहते हैं। लिख दीजिए पो यानी कि ओ की मात्रा में बदलने के लिए इस पे के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। उसके बाद है आधा सौ, तो सोचिए पूरा सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, पूरा सौ को सीन कहते हैं, ये छोटी वाली सीन, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा सा, तो इसका भी आधा भाग ऐसे काट दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का आधा आधा सीन से आधा सौ, ठीक। और उसके बाद से क्या है, टॉ, टॉ को उर्दू में टे कहते हैं, लिख दीजिए टे से ट हो गया। अब इन सब को जोड़ दीजिए फटाफट, पे का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है, उठा लीजिए। पे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, और उसके बाद से ये जो वाव है पे में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए, तो पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया पो, ठीक। और उसके बाद से ये जो आधा सीन है ना, जिससे आधा सौ हो रहा था, इसको पूरा का पूरा यहाँ पर उठा कर लेकर आ जाइए, आधा सीन से आधा सौ हो गया। और उसके बाद से ये जो टे है, इसी सीन में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का, अच्छा से जोड़ दूँ, थोड़ा मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आधा सीन से आधा सौ और उसके बाद से टे से ट, तो पो सौ आधा सौ और ट पोस्ट। कितना आसानी से हम लोग पोस्ट लिख लिए। आगे बढ़ते हैं रेडियो। अब रेडियो कैसे लिखेंगे फटाफट, अब मैं लिखूंगी, आप लोग माइंड में सोचिए कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, माइंड में ही आप लोग सोच लीजिए कि रेडियो हाँ ऐसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, और मैं तो बता रही हूँ, तो आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं, कि हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। तो चलिए फटाफट करते हैं, रे है सबसे पहला अक्षर, तो र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, रे से तो र हो गया, लेकिन इसको ए, रे की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देंगे, तो ये अक्षर ए की मात्रा यानी कि रे की मात्रा में बदल जाएगा। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किसी भी अक्षर को ए की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और बड़ी ये जोड़ देते हैं, तो अक्षर ए की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। और उसके बाद से वही काम हम लोग यहाँ पर किए हैं, रे के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिए, तो ये रे हो गया। उसके बाद से डी है, ड को उर्दू में क्या कहते हैं, डाल कहते हैं, डाल से तो ड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी है। कौन सा वाला ई की मात्रा है डी में, छोटी वाली ई की मात्रा है, तो डाल के नीचे सिर्फ जेड लगा दीजिए, ये छोटी वाली ई यानी कि डी में बदल जाएगा। उसके बाद से यो है, तो य को उर्दू में छोटी ये, और उसके बाद से यो की मात्रा ओ की मात्रा में बदलने के लिए इस ये के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए। अब फटाफट इन सबको जोड़ देना है, रे जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, रे के नीचे जेर ऑलरेडी है, ठीक। हम लोग लिखे नहीं है लेकिन ऑलरेडी है, ये वाला जेर ना यहाँ पर है, ठीक। तो रे के नीचे जेर जुड़ा हुआ है, और उसके बाद से ये जो बड़ी है, बड़ी ये है अपना शक्ल चेंज करके बिल्कुल वैसा ही रूप धारण कर लेती है जिस तरह की छोटी है। यहाँ पर जिस तरह छोटी अपना शक्ल चेंज की, बिल्कुल उसी तरह बड़ी ये भी किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज कर लेती है। तो रे के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर रे, और उसके बाद से ये जो डाल है इसी ये में आकर ऐसे चिपक जाएगा, और डाल के नीचे जेर तो है ही है, और उसके बाद से ये जो छोटी ये है ये भी अपना शक्ल चेंज करेगी और
ऐसा रूप धारण कर लेगी। और ये के ऊपर तो पेश है यहाँ पर ऑलरेडी, बस ये जो वाव है इसी ये में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये के ऊपर पेश और वाव जुड़कर यो, तो रे डी यो, रे डी यो, रेडियो। आगे बढ़ते हैं दो गुना। दो गुना में सबसे पहला अक्षर दो, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, दाल से द हो गया। दो बनाने के लिए ओ की मात्रा बदलने के लिए दाल के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। उसके बाद है गु, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, लिख दीजिए, गाफ से ग हो गया। गु यानी कि ऊ की मात्रा में बदलने के लिए देखिए कि गु में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो गु में छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब किसी अक्षर को छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश लगा देते हैं। ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो गाफ के ऊपर पेश लगा दिए तो ये हो जाएगा आप लोग का छोटा वाला गु। और उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। ना बनाने के लिए नून में अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोग को, दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। दाल के ऊपर तो यहाँ पर पेश है ही है, बस ये जो आव है दाल में लेकर इसे चिपका दीजिए। तो दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया दो। और उसके बाद से गाफ का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है, ऐसे उठा लिए। और गाफ के ऊपर भी क्या है, यहाँ पर पेश है, तो ये हो जाएगा गु, दो और गु। और बस ये जो नून का आधा भाग है इसी गाफ में ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए और नून में अलिफ जोड़ दीजिए तो ना हो जाएगा। ठीक, तो दो गु और ना, दो गुना। इसको आप दुगना भी पढ़ सकते हैं। कैसे, दाल के किसी भी अक्षर के ऊपर अगर पेश लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है तो वो ऊ की मात्रा में भी पढ़ा जाता है, बड़ा वाला ऊ। तो आप इसको दुगना भी पढ़ सकते हैं और दो गुना भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं समोसा। समोसा कैसे लिखा जाएगा, वाह क्या नाम आया है, समोसा। मुंह में पानी आ गया समोसा सुनते ही। देखिए, समोसा में सबसे पहला अक्षर है सौ। सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सीन कहते हैं, सीन लिख दिए, सीन से सौ हो गया। उसके बाद है मुँह, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, मुँह बनाने के लिए मीम के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। उसके बाद से सा है, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है, सीन का आधा भाग आप उठा लीजिए ऐसे, सीन से सौ हो गया। मीम का ये बिंदु वाला भाग उठा लेना है ऐसे आधा, ये हो गया मीम। और मीम के ऊपर तो पेश है ही है, बस ये जो वाव है ले जाकर इसी मीम में ऐसे जोड़ दीजिए। तो मीम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर मो, सा मो। और बस ये सीन का आधा भाग फिर से आप लोग को उठा लेना है ऐसे और इसी सीन में अलिफ जोड़ दीजिए। तो एक मिनट, अच्छा से जोड़ दूँ, टेढ़ा हो गया, हाँ अब ठीक है, एकदम सीधा। तो सीन में अलिफ जुड़ कर सा, तो समोसा, समोसा। आप लोगों के हिसाब से समोसा इस तरह लिखाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन उर्दू में इस तरह नहीं लिखा जाता है। बस ये जो लास्ट में अलिफ है ना, अलिफ ना रहकर यहाँ पर लास्ट में हे रख दिया जाता है, समोसा होता है उर्दू में। ठीक, तो लास्ट में अलिफ हटाकर हे लगा दीजिएगा, समोसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं टोकरी। टोकरी में सबसे पहला अक्षर टो, टो को उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं, लिख दीजिए, टे से तो ट हो गया। टो बनाने के लिए इसके ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद है क, क को उर्दू में क्या कहेंगे, काफ कहेंगे। उसके बाद है री, र को उर्दू में रे। और बस इसको री बनाने के लिए देख लीजिए कौन सी वाली ई की मात्रा है री में, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो रे के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ये बड़ी वाली री की मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोग को, टे का आधा भाग आप उठा लीजिए ऐसे, टे का आधा भाग उठा लिए। ठीक है, और टे के ऊपर तो पेश ही है, बस वाव ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। टे के ऊपर पेश और वाव जोड़ कर ये हो गया टो। और काफ का आधा भाग ऐसे उठा लेना है आप लोगों को, उठा लिए, और इसी काफ में ये जो रे है पूरा का पूरा ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए। तो काफ में ये आप लोगों का रे जुड़ गया, और रे के नीचे तो जेर है यहाँ पर, और ये जो छोटी ये है जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह इसी रे में लिख कर चिपका देना है ऐसे। तो रे के नीचे जेर और ये छोटी ये जुड़कर ये हो गई री, तो टो क री, टोकरी। आगे बढ़ते हैं बोतल। बोतल में सबसे पहला अक्षर बो, बो को उर्दू में बे कहते हैं, बे के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा बो। और उसके बाद से त, त को उर्दू में ते कहते हैं। उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, बे का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, बे के ऊपर तो पेश यहाँ पर है ही है, बस वाव जोड़ दीजिए, तो बे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर बो, और ते का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, ते का आधा भाग उठा लिए, और इसी में लाम का पूरा का भाग, पूरा का पूरा भाग जोड़ दीजिए, तो त और ल, तो बो त ल, बोतल। आगे बढ़ते हैं जोकर। देखिए, अब इतना समझ गए ना तो आप आसानी से लिख पाएंगे इन सभी शब्दों को उर्दू में। अब आप लोग सोचते चलिए माइंड में, और मैं लिखते चलती हूँ और आप लोग मिलाते चलिए। ठीक, जोकर, ज को, जो है सबसे पहला अक्षर, तो ज को उर्दू में जिम कहते हैं, जिम से ज हो गया। जो बनाने के लिए पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। उसके बाद है क, क को उर्दू में काफ कहते हैं। उसके बाद है र, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और उसके बाद से जिम के ऊपर क्या है, पेश है यहाँ पर ऑलरेडी, और बस वाव ले जाकर ऐसे जिम में चिपका दीजिए। तो ये हो गया जिम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर जो, और काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ में ये जो रे है ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए। तो जो कर, जो कर,
आगे बढ़ते हैं, लोमड़ी। लोमड़ी में सबसे पहला अक्षर लो, ला को उर्दू में लाम कहते हैं। लो बनाने के लिए लाम के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद है मा, मा को उर्दू में मीम कहते हैं। उसके बाद है ड़ी, ड़ा को उर्दू में डे कहते हैं। ड़ी बनाने के लिए देखिए ड़ी में कौन सी वाली की मात्रा है, तो ड़ी में बड़ी वाली की मात्रा है, तो इस ड़े के नीचे ज़ेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ये भी बड़ी वाली ड़ी बड़ी वाली की मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए। लाम का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, ठीक है, और लाम के ऊपर यहाँ पर पेश तो है ही है, बस वाव ऐसे चिपका दीजिए। तो लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो, और मीम का आप लोग को आधा भाग ऐसे उठा लेना है। मीम का आधा भाग ऐसे उठा लिए, बिंदु वाला भाग, और इसी मीम में ये जोड़े है ना ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए। रे के ऊपर ये बी की तरफ बना रहता है, ठीक, तो इस तरह आप यहाँ पर बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया डे, और डे के नीचे तो जेर यहाँ पर ही है, बस ये जो छोटी ये है जिस तरह लिखी हुई है यहाँ पर, उसी तरह आप लोगों को उठाकर यहाँ पर भी जोड़ देना है, ठीक। तो डे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर हड़ी, तो लो माड़ी लोमड़ी, देखिए इस तरह लोमड़ी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं गोपाल। गोपाल में सबसे पहला अक्षर गो, गा को उर्दू में गाफ कहते हैं, लिख दीजिए। गोपाल नाम भी होता है, हाँ नाम ही होता है, हाँ। तो गाफ से तो गा हो गया, गो बनाने के लिए गाफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, गो हो जाएगा। उसके बाद है पा, पा को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं। पा बनाने के लिए पे में अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद है लॉ, लॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। गाफ का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है ऐसे, उठा लिए, और गाफ के ऊपर तो यहाँ पर पेश ही है, बस वाव ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का गो, गो हो गया। उसके बाद है पे का आधा भाग, तो उठा लीजिए ऐसे, और पे में अलिफ जोड़ दीजिए ऐसे, पे में अलिफ जोड़ दिए, और उसके बाद से ये जो लाम है पूरा का पूरा ऐसे चिपका दीजिए ले जाकर, ठीक। तो ये हो गया गो, पा और ल, गोपाल। कितना आसानी से गोपाल लिख लिए। आगे बढ़ते हैं सोहन। सोहन लिखना है, सोहन, मोहन, रोहन, टोहन, इससे आप लोग लिख सकते हैं अगर सोहन लिखना जान गए तो आप लोग। तो देखिए सो है, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं। सो बनाने के लिए सीन के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, सो हो जाएगा। उसके बाद है ह को उर्दू में ये वाला है कहेंगे, और उसके बाद से ये वाला है भी कह सकते हैं, और आप ये वाला है भी रख सकते हैं, ठीक है, दोनों रख सकते हैं, लेकिन आप यही वाला है रखिए, ठीक है। और उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए। सीन का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक है, और सीन के ऊपर क्या है, यहाँ पर पेश है, बस ये जो वाव है उस सीन में ले जाकर जोड़ दीजिए। तो सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर सो, और ये जो है अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा रूप ले लेगी, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये हो गया हे से ह, और बस ये जो नून है इसी में ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए। तो ये हो गया सो ह न, सोहन, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये वाला हे रखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो और ये वाला हे का आधा भाग उठाते हैं तो ऐसे हो जाता, और इसी में नून जोड़ देते तो हन, तो सोहन, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो यू कैन राइट वट एवर यू वांट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही मतलब आप बोल सकते हैं यही होता है, ठीक। तो चलिए मैं इसको काट देती हूँ। तो इस तरह आप लोग सोहन जिस तरह लिखे उसी तरह आप लोग मोहन, रोहन, टोहन वगैरह जो भी नाम है लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रोहित। रोहित में सबसे पहला अक्षर है रो, रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। रे से तो रा हो गया, रो बनाने के लिए रे के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए, रो हो जाएगा। उसके बाद है ही, ह को उर्दू में ये वाला हे कहते हैं, हे से तो ह हो गया, लेकिन ही है यहाँ पर, तो देखिए ही में कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो ही में छोटी वाली ई की मात्रा है, तो इस हे से तो ह हो जा रहा था, लेकिन इसको ही बनाने के लिए, छोटी वाली ही बनाने के लिए इस हे नीचे जेर लगा देंगे, तो ही हो जाएगा। उसके बाद है तो, तो को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर ते से तो हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को, जिस तरह रे लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, रे के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए। तो ये हो गया आप लोगों का रो, और हे जो है अपना शक्ल चेंज करेगी, ये वाला हे, और किस तरह शक्ल बना लेगी, ये इस तरह, ठीक। और हे के नीचे क्या है, जेर है, ही हो जाएगा, और उसके बाद से त, इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए त। तो हे के नीचे जेर जुड़कर ये हो गया छोटी वाली ही और ता, तो रो ही ता, रोहित, इस तरह लिखा जाता है रोहित। आगे बढ़ते हैं गोल्डी। गोल्डी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, गो है तो सबसे पहला अक्षर गो है, तो सोचिए गा को उर्दू में क्या कहते हैं, गा को उर्दू में गाफ कहते हैं। गो बनाने के लिए गाफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, तो गो हो गया। उसके बाद आधा ल है, तो सोचिए पूरा ल को उर्दू में क्या कहते हैं, पूरा ल को उर्दू में लाम, और आधा ल है तो लाम का आधा भाग ऐसे काट दीजिए इस तरह, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का आधा ला से, आधा लाम से आधा ला। और उसके बाद से डी है, ड को उर्दू में क्या कहते हैं, डाल कहते हैं। और डी बनाने के लिए देखिए डी में कौन सी वाली की मात्रा है, तो डी में बड़ी वाली की मात्रा है, तो इस डाल के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ये बड़ी वाली डी की मात्रा में बदल जाएगा।
अब इन सबको जोड़ देना है। गाफ का आप लोग आधा भाग उठा लीजिए ऐसे फटाफट, और गाफ के ऊपर क्या है, पेश है यहाँ पर, बस ये जो वाव है जोड़ दीजिए ऐसे, गाफ के ऊपर पेश और वाव जोड़कर गो, और लाम का ये जो आधा भाग है ना बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर लेकर चले आइए ऐसे, लाम का आधा भाग उठा लिए, लाम से आधा ला हो गया, आधा लाम से, और उसके बाद से ये जो डाल है ना इसी आधा लाम में ऐसे चिपका दीजिए ऐसे, डाल के नीचे यहाँ पर जेर है, बस ये जो छोटी ये है जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी लाकर लिख दीजिए, तो डाल के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर डी, तो गो आधा ल और डी, तो गोल्डी गोल्डी गोल्डी, कितना आसानी से हम लोग गोल्डी लिख लिए। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अनुभव मिल गया होगा कि कैसे लिखा जाता है। अब इसको तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको फास्ट करूँगी, मैं सिर्फ बोल रही हूँ फास्ट फास्ट लेकिन फिर स्लो हो जा रही हूँ बताते बताते, ठीक है, तो अब मैं इसको फास्ट करूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चारों तरफ शेयर कर दीजिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए अब अगला शब्द है नोटिस, नोटिस, नोटिस को कैसे लिखा जाएगा उर्दू में। नोटिस में सबसे पहला अक्षर है नो, नौ को उर्दू में नून कहते हैं, नून से नौ हो गया, नो बनाने के लिए नून के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। टी है, टॉक उर्दू में टे कहते हैं, और टी में छोटा वाला ई की मात्रा है तो इसको छोटा वाला टी बनाने के लिए, छोटा वाला ई की मात्रा में बदलने के लिए टे के नीचे जेर लगा दिए। उसके बाद है सौ, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, लिख दिए। अब इन सबको जोड़ देना है, नून का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और नून के ऊपर पेश तो है, बस ये जो वाव है ले जाकर जोड़ दीजिए, तो नून के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया नो, और टे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक, और टे के नीचे जेर यहाँ पर है, टी हो गया, और बस ये जो सीन है पूरा का पूरा सीन इसी टे में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, तो सीन से सौ, तो नो टी और सौ, नोटिस नोटिस, कितना आसानी से नोटिस भी लिख लिए। आगे बढ़ते हैं योगेश, योगेश में सबसे पहला अक्षर यो, यो को उर्दू में क्या कहते हैं, छोटी ये से तो य हो गया, बट यू बनाने के लिए इसी ये के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद है गे, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं, गाफ से ग हो गया, गे बनाने के लिए एक ही मात्रा में बदलने के लिए गाफ के नीचे जेर लगाकर बड़ी ये जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा गे, और उसके बाद है श, तालाबे श है तो बड़ी शीन से तालाबे श होता है, तो लिख दिए हम लोग बड़ी शीन। अब इन सबको जोड़ देना है। य आप लोग जानते हैं ये जो ये है किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज कर लेती है, तो ये अपना शक्ल चेंज करेगी और ऐसा शक्ल बना लेगी, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये हो गई ये, और ये के ऊपर क्या है, यहाँ पर पेश तो है, बस ये जो वाव है इसी ये में आकर ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया यो, और गाफ का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है, ये उठा लिए गाफ का आधा भाग, और गाफ के नीचे जेर जुड़कर, और बस ये जो बड़ी ये है इसको गाफ में ऐसे जोड़ दीजिए, तो गाफ के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये हो गया गे, और शीन जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर इसी ये में जोड़ दीजिए ऐसे, तो शीन से शौ, तो गाफ के नीचे जेर और बड़ी ये जुड़कर ये तो गे हो गया, और शीन से शौ, तो यो गे और शौ, योगेश। आगे बढ़ते हैं ढोलक, अगर आप लोग ऐसा सोचे थे कि योगेश ऐसा लिखा जाना चाहिए तो बिल्कुल सही सोचे थे, बहुत बढ़िया। आप ढोलक सोचिए कैसे लिखा जाएगा, तब तक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ढोलक डॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, डाल कहते हैं, और जिस तरह डी से डॉ, डी एच से ढा, उसी तरह डाल से डॉ होता है, और डाल में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ढा, और ढो बनाने के लिए इसी ढ के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए तो ढो हो जाएगा। उसके बाद है लॉ, लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं। उसके बाद है कौ, कौ को उर्दू में काफ कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिस तरह ढ लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ढ के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है इसी ढ में जो ये जो है ना इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ढो, ढ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ढो, और लाम का आधा भाग ऐसे उठा लेना है आप लोगों को, आधा भाग उठा लिए लाम का ये, और लाम के इस आधे भाग में काफ का पूरा भाग ऐसे ले जाकर जोड़ देना है, ठीक, तो लाम से ल और काफ से क, तो ढो ल का, ढोलक। आगे बढ़ते हैं भोजन, तो जिस तरह हिंदी में बी से ब और बी एच से भ, उसी तरह उर्दू में होता है बे से ब, और इसी बे का आधा भाग मिटाकर इसी बे में एच यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आप लोग का भ, भ हो गया, लेकिन भो बनाने के लिए इसी भ के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए, भो हो जाएगा। उसके बाद है ज, ज को उर्दू में जिम कहते हैं। उसके बाद है न, न को उर्दू में नून कहते हैं। अब जोड़ दीजिए, भ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, भ के ऊपर तो पेश है, बस ये जो वाव है इसी भ में आकर जुड़ जाएगा, तो भ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया भो, और जिम का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और जिम में ले जाकर नून ऐसे जोड़ दीजिए, तो ज और न, तो भोजन, भोजन, देखिए ऐसे भोजन लिखा जाता है उर्दू में। आगे बढ़ते हैं कटोरी, कटोरी में सबसे पहला अक्षर क, क उर्दू में काफ कहते हैं, टो है, टॉक उर्दू में टे,
रो बनाने के लिए टे के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। उसके बाद री रॉक उर्दू में रे कहते हैं और री में बड़ी वाली की मात्रा है तो रे के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दिए तो ये बड़ी वाली री की मात्रा में बदल जाएगी। अब इन सबको जोड़ देना है। काफ का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट। काफ का आधा भाग, एक मिनट अच्छा से लिख लूँ। हाँ तो ये हो गया आप लोगों का आधा भाग। और काफ के इस आधे भाग में टे का आधा भाग ऐसे ले जाकर जोड़ देना है। ठीक, तो ये हो गया टे और टे के ऊपर पेश है यहाँ पर, बस ये जो वाव है ले जाकर चिपका दीजिए। तो टे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर टो, तो क और टो, क और टो हो गया है। बस री लिख देना है। ये जो रे है यहाँ पर लेकर चले आइए और रे के नीचे जेर है, बस ये जो छोटी है ले जाकर चिपका दीजिए। तो रे के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर री, तो क टो री, कटोरी। आगे बढ़ते हैं, कोयल। को है सबसे पहला अक्षर तो क को उर्दू में काफ कहते हैं। को बनाने के लिए काफ के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। और उसके बाद से ये जो य है ना, य को उर्दू में क्या कहते हैं, य को उर्दू में छोटी ये कहते हैं। ठीक है, छोटी ये से य हो गया। और उसके बाद है ल, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए। काफ का आधा भाग उठा लिए ऐसे और काफ के ऊपर पेश है और वाव जोड़ दिए तो को हो गया ये। अब ये जो छोटी ये है ना, आप लोग जानते हैं शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है। ठीक, और लाम है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो आप लोगों के हिसाब से कोयल ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उर्दू में कोयल इस तरह नहीं, बल्कि ये जो नीचे दो ठो नुक्ता है ना, दो ठो बिंदु, इसको हटाकर ऊपर ऐसे हमज़ा दे दिया जाता है, इसको बोला जाता है हमज़ा। ठीक है, तो छोटा सा इसी को करके ऐसे हमज़ा दे दिया जाता है, तो ये पढ़ा जाता है कोयल। इस तरह उर्दू में कोयल लिखा जाता है, तो आप लोगों को इस तरह लिखना है। ठीक है, तो कोयल हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, पोलियो। पोलियो में सबसे पहला अक्षर क्या है, पो। पो को उर्दू में पे कहते हैं। पो बनाने के लिए पे के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। ली है, लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं। कौन सा वाला ई की मात्रा है ली में, तो छोटी वाली ई की मात्रा है, तो बस जेर लगा दीजिए लाम के नीचे तो ये ली बन जाएगा। उसके बाद यो है, यो सबसे पहले सोचिए य को उर्दू में, तो य को उर्दू में छोटी ये कहते हैं। अब इसको यो बनाइए, पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए तो यो हो जाएगा। अब फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। पे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे। पे के ऊपर क्या है, पेश है। ठीक है, बस या वाव जो है ना ले जाकर पे में जोड़ देना है। तो पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया पो। और लाम का आधा भाग ऐसे उठा लेना है। लाम का आधा भाग उठा लिए, लाम के नीचे जेर है तो ये हो गया ली। और ये जो ये है, ये का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है और ये के ऊपर क्या है, पेश है और वाव बस ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो ये के ऊपर पेश और वाव जुड़कर यो, तो पो ली और यो, पोलियो। आगे बढ़ते हैं, रसोई। रसोई में सबसे पहला अक्षर रा, रा को उर्दू में रे कहते हैं। रे से रा हो गया सो है। सो को उर्दू में सीन कहते हैं। सो बनाने के लिए सीन के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। और उसके बाद से अगला लास्ट अक्षर क्या है, ई। तो मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, अगर लास्ट में अगर बड़ी वाली ई आता है तो उसमें क्या किया जाता है, छोटी ए के साथ साथ उसमें हमजा जोड़ दिया जाता है तो वो बड़ी वाली ई बन जाता है। ये मैं आप लोग को बताई हूँ। ठीक, इन दोनों को जब एक साथ लिखा जाता है ना, इन दोनों को, तो ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, अगर इस तरह लास्ट में आप लोगों को डायरेक्ट बड़ी दिखाई देगा ना, तो लास्ट में आप लोगों को ऐसा ही हमजा के साथ ये जोड़ देना है, तो ये पढ़ा जाता है आप लोगों का बड़ी ई, बड़ी ई। ठीक है, तो देखिए रे से रा हो जा रहा था, सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर सो हो गया, और हमजा के साथ ये बड़ी, ये छोटी ई जुड़ गई तो ये हो गया आप लोगों का बड़ी वाली ई। ठीक, तो ये हो गया बड़ी ई। अब इन सबको जोड़ दीजिए। रे जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख लेना है, और सीन का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, सीन के ऊपर पेश है, ये वाव ले जाकर इसी सीन में जोड़ दीजिए तो ये हो गया सो। और ये जो ई है बड़ी वाली, ये जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। ठीक है, हमजा के साथ ये जुड़कर ये बड़ी वाली ई, तो रसोई, 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 इस तरह लिखा जाता है रसोई। अगला शब्द है तोहफा, तोहफा, गिफ्ट। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, तोहफा में सबसे पहला अक्षर है तो। तो को उर्दू में ते कहते हैं, ते से तो हो गया। तो बनाने के लिए ते के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए। ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं, लिख दीजिए। फा है, फा को उर्दू में नीचे बिंदु वाला फा है तो इसको उर्दू में फे कहते हैं, तो लिख दीजिए फे से फा हो गया। फा बनाने के लिए फे में अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़िए। ते का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, उठा लिए। ते के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो हो गया। और हे जिस तरह है उसी तरह हे लिख जाना, हे लिख दिए। और फे का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है ऐसे, ये वाला आधा भाग, और फे में अलिफ जोड़ दीजिए। तोहफा, तोहफा, आप लोगों के हिसाब से तोहफा इस तरह लिखा जाना चाहिए, लेकिन तोहफा इस तरह नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। तोहफा कैसे लिखा जाता है,
मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ते के ऊपर पेश लगाकर जो वाव जोड़ रहे थे तो हो जा रहा था। मैं आप लोगों को बताई हूँ ना कि पेश लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है तो कोई भी अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि वाव नहीं भी लगाओ, सिर्फ ऊपर पेश लगा दो, तो वो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो अगर यहाँ पर क्या करेंगे आप, ते के ऊपर सिर्फ पेश लगा देंगे ना, तो ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा, आप इसको तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद से हे से ह हो जा रहा था, और फिर में ये जो अलिफ जोड़कर फा बना रहे थे ना, तो देखिए पहले इसको ते का आधा भाग उठा लीजिए, ऐसे ते का आधा भाग उठा लिए, ते के ऊपर सिर्फ पेश लगा दिए तो ये तो ओ की मात्रा में बदल गया। ये कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन, ठीक है। तो ये तो हो गया, और हे जिस तरह हे का आधा भाग यहीं पर ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का हे का आधा भाग, ते के ऊपर पेश जुड़कर तो, और हे से ह, और फे का आधा भाग इसी में ऐसे जोड़ देना है आप लोगों को। और फे के लास्ट में जो अलिफ लगाकर फा बना रहे थे तो फा नहीं होता है, तो फा होता है। तो ये जो अलिफ लग रहा था यहाँ पर अलिफ नहीं बल्कि हे लगेगा ऐसे। तो इस तरह सही तरीके से उर्दू में लिखा जाता है तोहफा, इस तरह उर्दू में शुद्ध रूप से तोहफा लिखा जाता है। तो आप लोग को इस तरह लिखना है, बात सही है। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है तो कोई भी अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप पेश लगा दिए ना, वाव नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पेश लगाने से ये ओ की मात्रा में बदल गया, तो बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मोटर, मोटर में सबसे पहला अक्षर है मो, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मीम से माँ हो गया, मो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद है टॉ, टॉ को उर्दू में टे कहते हैं, लिख दिए। उसके बाद है रॉ, रॉ को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सब को जोड़ देना है, मीम का आधा भाग ऐसे उठा लीजिए फटाफट, मीम का आधा भाग उठा लिए, मीम के ऊपर पेश है वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया मो। और फिर टे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और इसी टे में ये जो रे है ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, तो मोटर, मोटर। कितना आसानी से लिख लिए। आगे बढ़ते हैं पोटली, पोटली में सबसे पहला अक्षर है पो, पो को उर्दू में पे कहते हैं, और पो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। उसके बाद है टॉ, टॉ को उर्दू में टे कहते हैं, और ली है लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं। ली बनाने के लिए देखिए कौन सी वाली की, बड़ी वाली की मात्रा है, तो लाम के नीचे जीर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ये बड़ी वाली की मात्रा में बदल जाएगा। पे का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और पे के ऊपर तो पेश है ही है, बस ये जो वाव है ले जाकर पे में ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया पो। और उसके बाद से टे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, टे का आधा भाग उठा लिए, और लाम का आधा भाग भी इसी टे में लाकर ऐसे जोड़ देना है, और लाम के नीचे तो जेर है, बस ये जो छोटी है इसी लाम में ले जाकर जोड़ दीजिए, तो लाम के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ली, तो पोटली, पोटली। आगे बढ़ते हैं उसको, ये लिखना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आप लोगों को क्या बताइए। पहला अक्षर है ऊ, ऊ किस तरह लिखा जाता है उर्दू में, अलिफ के ऊपर सिर्फ पेश लगा दो तो वो अक्षर ऊ की मात्रा में बदल जाता है, ये ऊ पढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों को करना है, अलिफ के ऊपर पेश लगा कर ये हो गया छोटा वाला ऊ, ठीक है, छोटा वाला। देखिए अलिफ के ऊपर जब पेश लगाते हैं तो ये छोटा वाला ऊ पढ़ा जाता है, और जब अलिफ के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिया जाता है तो ये बड़ा वाला ऊ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, छोटा वाला ऊ है, तो अलिफ के ऊपर सिर्फ पेश लगा दिए, तो ये हो गया छोटा वाला ऊ। और उसके बाद है सौ, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, और को है को उर्दू में काफ कहते हैं, और काफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो को हो जाएगा। अब देखिए जिस तरह लिखा है अलिफ उस तरह लिख दीजिए, अलिफ के ऊपर पेश तो है लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे हैं, अलिफ के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया ऊ, छोटा वाला ऊ। और बस ये जो सीन है, सीन का आधा भाग उठा लेना है, और आप सीन का, चलिए सीन का आधा भाग उठा लेते हैं, सीन का आधा भाग उठा लेते हैं ऐसे, ठीक, सीन का आधा भाग उठा लिए। और उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लीजिए और इसी सीन में जोड़ दीजिए, काफ का आधा भाग उठाकर जोड़ दिए सीन में, काफ के ऊपर पेश है, ठीक, बस ये जो वाव है ले जाकर इसी काफ में जोड़ दीजिए। तो देखिए काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को, तो अलिफ के ऊपर पेश था तो ऊ और सा और को, उसको, इस तरह लिखा जाता है उसको। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलिफ के ऊपर पेश है, ठीक है, हम लोग मान ले रहे हैं ऊपर अलिफ के ऊपर क्या है, पेश है, तो ऊ हो गया। और ये जो सीन है ना, जो आप आधा भाग उठा रहे थे, इसको आधा भाग ना उठाकर पूरा भाग भी उठा सकते थे ऐसे, ये हो गया आप लोगों का उस। और अलग से आप को भी लिख सकते थे इस तरह, काफ के ऊपर पेश जुड़कर वाव, ठीक, काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को, तो उसको। आप सीन को इस काफ में जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड है, स्वतंत्र है आप लोग। ये जो आधा सीन था, सीन का आधा भाग काफ में जोड़ दे रहे थे ना, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं मुझको, मुझको में सबसे पहला अक्षर क्या है, मुँह, मुँह को उर्दू में मीम कहते हैं। और देखिए मीम में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है ना, छोटा वाला मुँह है, तो मीम के ऊपर सिर्फ पेश लगा दीजिए तो वो छोटा वाला मुँह यानी कि छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाएगा, तो ये हो गया मुँह।
और झ है तो जिस तरह जिम से जे से झ और जे में एच जोड़ देते हैं जे एच से झ, उसी तरह उर्दू में जिम से झ होता है और इसी जिम के आधे भाग को ऐसे मिटाकर और एच जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है झ। तो ये हो गया झ। और उसके बाद है को। कॉक उर्दू में काफ कहते हैं। को बनाने के लिए काफ के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए। मीम का आधा भाग उठा लेना है और मीम के ऊपर तो पेश है बस। मीम के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया मुंह, छोटा वाला मुंह। और ये जो झ है ना, झ जिस तरह लिखा है उसी तरह मीम में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। देखिए बहुत ही मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा जोड़ने के लिए। मीम का एक बार फिर से बता दे रही हूँ। मीम का आधा भाग उठा लेना है, ठीक है। और मीम के ऊपर क्या है, पेश है। तो मीम के ऊपर पेश जुड़ कर ये तो छोटा वाला मुंह हो गया। और ये जो झ है ना, जिस तरह लिखा है उसी तरह ले जाकर मीम में ऐसे जोड़ देना है। तो मीम के ऊपर पेश और ये हो गया झ, मुझ हो गया। ये क्या लिखा गया, मुझ। और उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लेना है और इसी झ में ले जाकर ऐसे काफ का आधा भाग जोड़ देना है। तो काफ का आधा भाग जुड़ गया और काफ के ऊपर क्या है, पेश है। बस ये जो वाव है ले जाकर काफ में ऐसे जोड़ दीजिए। तो काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया को। तो मुझ और को, मुझ को, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये मीम का आधा भाग था ना और मीम में आप झ जोड़ दे रहे थे तो ये मुझ हो जा रहा था, और ये जो काफ का आधा भाग था इसी झ में जोड़ रहे थे तो आप काफ का आधा भाग नहीं भी जोड़ सकते हैं, काफ का अलग भी लिख सकते हैं और काफ में वाव जोड़ सकते हैं, काफ के ऊपर पेश और वाव जोड़ कर को। तो ये जो को जो है ना, इस झ में जोड़ दे रहे थे तो आप जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुझको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक। ये आपके मर्जी के ऊपर है, इस तरह भी और इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं सबको। सबको में सबसे पहला अक्षर क्या है, सौ। सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से सौ हो गया। ब है, ब को उर्दू में बे कहते हैं, ब हो गया। को है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। को बनाने के लिए काफ के ऊपर पेश लगा कर, और इसमें क्या कीजिए, अच्छा से लिख दूँ, काफ के ऊपर पेश लगा कर इसमें वाव जोड़ दीजिए। अब देखिए सीन का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, उठा लिए। सीन से सौ हो गया, बस ये जो ब है बे का आधा भाग आप लोगों को ऐसे रख दीजिए, बे का आधा भाग उठा लिए ऐसे, सीन से सौ और बे से ब, और काफ का आधा भाग उठा लेना है और इसी बे में जाकर ऐसे जोड़ते रहें। काफ के ऊपर तो पेश है, बस ये जो वाव है काफ में ले जाकर जोड़ दीजिए। तो काफ के ऊपर पेश और वाव, काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को। तो सौ ब को, सब को, इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप अलग अलग लिख सकते हैं। इन दोनों को अलग लिख दीजिए और फिर इन दोनों को अलग लिख दीजिए। सब इन दोनों को जोड़कर अलग लिख दीजिए ऐसे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं सब, और उसके बाद से काफ का आधा भाग उठाकर और इसी में वाव जोड़ दीजिए, काफ के ऊपर पेश और वाव जोड़कर को। तो सब को, इस तरह भी और इस तरह, दोनों तरह लिख। आगे बढ़ते हैं जिसको। जिसको में सबसे पहला अक्षर है जी। जौ को उर्दू में जिम कहते हैं, तो लिख दीजिए जिम से जौ हो गया। और जी है तो देखिए जी में कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो छोटी वाली ई की मात्रा है। जिम के नीचे क्या करेंगे आप, सिर्फ जेर लगा देंगे तो ये जी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटा वाला ई की मात्रा है। तो किसी भी अक्षर को छोटा वाला ई की मात्रा में बदलना रहता है तो सिर्फ जेर लगा देते हैं तो छोटा वाला ई की मात्रा में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा जी। और उसके बाद से सौ है। सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से सौ हो गया। को है, क को उर्दू में काफ, और को बनाने के लिए पेश लगा कर वाव जोड़ दिए, ठीक। अब जोड़ दीजिए जिम का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, और जिम के नीचे क्या है, जेर है। तो जिम के नीचे जेर जुड़कर ये हो गया जी, छोटा वाला जी। और उसके बाद से सीन का आधा भाग आप लोग को उठाकर और इसी जिम में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो जिम के नीचे जेर जुड़कर जी और सीन से सौ, ये हो गया जिस। और काफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे और इसी सीन में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। और काफ के ऊपर पेश तो है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। तो काफ के ऊपर पेश जुड़कर वाव, काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को। तो जिसको, जिसको ये एक में लिख दी, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जिसको अलग लिख दीजिए और को अलग लिख दीजिए। जिस और को, ये अलग अलग हो गया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आ को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, मैं आप लोगों को बताई हूँ। अलिफ के ऊपर सिर्फ ऐसे मद लगा दिया जाता है तो आ हो जाता है। ये हो गया अलिफ के ऊपर मद जुड़कर आ। और उसके बाद से प है, प को उर्दू में पे कहते हैं, पे से प हो गया। और को है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। और ओ की मात्रा में बदलने के लिए पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। इसको भी जोड़ना आसान है, ये देखिए जिस तरह अलिफ के ऊपर मद जुड़ा है उसी तरह जोड़ दीजिए ऐसे। अलिफ के ऊपर मद जुड़कर आ हो गया। पे का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है ऐसे, ठीक है। पे का आधा भाग ऐसे उठा लिए, ठीक। पे से प हो गया। और काफ का आधा भाग आप लोगों को ऐसे उठा लेना है, ठीक। काफ का आधा भाग और काफ के ऊपर पेश है, बस ये जो वाव है ले जाकर काफ में जोड़ दीजिए। तो काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को। तो आप और को,
आपको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये वाला को ठीक, तो आप और को इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरह भी एक में जोड़कर भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तीन अक्षर से बने ओ मात्रा वाले शब्दों को किस तरह उर्दू में लिखा जाता है और इस तरह कहीं पर भी तीन अक्षर से मिलकर बने ओ मात्रा वाला शब्द उर्दू में लिखा हुआ है तो कैसे पढ़ा जाता है, आप आसानी से पढ़ लेंगे। आई थिंक आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चारों तरफ शेयर कर दीजिए फटाफट, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का या फिर ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।